यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने मशहूर यूट्यूबर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली के साथ अपनी साझेदारी का ऐलान किया है। यूएनडीपी इंडिया ने प्राजक्ता कोहली को पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना है। प्राजक्ता को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान के प्रतिकूल प्रभावों पर जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे क्लाइमेट एक्शन में दूरगामी लक्ष्य, युवाओं की भागीदारी और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। इस मौके पर प्राजक्ता कोहली ने कहा, मैं खुद को बेहद सम्मानित और कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मुझे एक चैंपियन के रूप में इस विशेष जिम्मेदारी के लिए चुना गया है, जो कि मेरे दिल के काफी करीब है। यूएनडीपी इंडिया की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन के तौर पर मैं ऐसे अवसरों का निर्माण करना और उनमें हिस्सा लेना चाहूंगी, जो कि क्लाइमेट एक्शन और इसके लिए उठाए जाने वाले तत्काल उपायों को आगे बढ़ाते हैं। युवाओं को इस अभियान में मशाल वाहक और योद्धा बनने की जरूरत है, जो एक समृद्ध और सशक्त भविष्य की दिशा में काम करेंगे, ऐसी दिशा जहां मानव प्रजाति किसी तरह के खतरे में नहीं होगी। हमने इस समस्या को जन्म दिया है, हम ही इसका समाधान भी कर सकते हैं। यूएनडीपी के साथ मैं क्लाइमेट एक्शन के लिए दुनिया भर के युवाओं के साथ उल्लेखनीय कार्य करने की कोशिश करूंगी। यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा, प्राजक्ता कोहली को यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में अपने बोर्ड में शामिल करने पर हम काफी उत्साहित हैं। विश्व को अधिक बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए युवा आज की अग्रणी आवाज हैं। प्राजक्ता भारत के लाखों युवाओं के साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी आवाज युवाओं के दिल तक पहुंचती है और वे युवाओं को क्लाइमेट एक्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्राजक्ता कोहली जन जागरूकता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा बन चुकी हैं। साल 2018 में वे व्हाट्सएप के पहले विज्ञापन में नजर आई थी, जिसमें फेक न्यूज को रोकने और फॉरवर्ड न करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसी वर्ष उन्होंने यूट्यूब के साथ की गई एक साक्षीदारी में बालिका शिक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया था। प्राजक्ता के यूट्यूब चैनल को मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। एंटरटेनमेंट डेस्क, कोहली टाइम्स।